भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के आज के सम्मेलन को अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री शिवप्रताप शुक्ल जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, गोरखपुर क्षेत्र के सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सब की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरख भूमि में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए सौभाग्य का अवसर है कि 2019 के चुनाव की दृष्टि से जब सेनाएं कसी जा रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से संगठन के सेनापति के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन आज इस क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के और ऊपर के पदाधिकारियों को प्राप्त हो रहा है। संगठनात्मक रूप से देश और दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, और केवल भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं, मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाला कार्डर बेस पार्टी। और इसी बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। अगर इस भाव के साथ साथ एक एक बूथ अध्यक्ष अपनी रणनीति के साथ, संगठन की रणनीति के साथ कार्य करने लग जाएगा, और जो अभियान आने वाला है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार, इस भाव को हम जन जन तक भर लेंगे, तो केंद्र सरकार की 4.5 वर्षों की उपलब्धियों के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 2.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो विकास की योजनाएं हम लोगों ने आगे बढ़ाई हैं, इन योजनाओं के बल पर, इन योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी गठबंधन नहीं ठहर पाएगा। केवल एक एक कार्यकर्ता को अपने बूथ को संभालने के लिए तैयार होना होगा। मैं कल बिहार में गया था और बिहार के पूर्णिया में मैं इसी प्रकार के एक सम्मेलन में गया था। क्या उत्साह है लोगों में। वहां पर जिन लोगों को कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया था, उन लोगों ने कहा कि 4.5 वर्ष के दौरान मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ जिस रूप में देने का कार्य किया, आज उसका परिणाम है कि जातीयता की दीवारें दरकी हैं, मिटी हैं, समाप्त हुई हैं, और विकास और सुशासन की ओर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर लोगों के मन में एक नया विश्वास जगा है। उस नए विश्वास को जगाने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये महाराजगंज जनपद है, यहां से मुश्किल से 25 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल की सीमा लगती है, और आप सब जानते हैं यही महाराजगंज जनपद है जिस महाराजगंज जनपद में बगल के कुशीनगर जनपद में लगभग 4 लाख की आबादी के मुसहर जाति के लोग रहते थे, सबसे दीनहीन, कुछ भी उनके पास नहीं था। और जब पहली सरकार चुने जाने के बाद प्रदेश के अंदर हमारी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ
हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वास्तव में सरकार का मतलब तब जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय जो सपने को हम साकार कर पाएंगे, जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज सरकार के कानों में सुनाई दे, और इसके लिए प्रयास होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनो जिन लोगों को अब तक शासन की योजनाएं नहीं मिल पाई। और मित्रों, आपने देखा होगा मुसार जाति के इन सभी 4 लाख लोगों को हम लोगों ने राशन कार्ड, एक एक आवास और पेंशन की सुविधा के साथ जहां जोड़ने का कार्य किया है, हर मुसार जाति के परिवार को आवास के साथ साथ राशन कार्ड की अनिवार्यता, पेंशन की अनिवार्यता और साथ साथ उन लोगों को शासन की सभी योजनाओं के साथ जहां जोड़ा गया, उनके लिए कार्ड, स्वास्थ्य का कार्ड बनाना, उनको बिजली के निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराना, उनको उज्ज्वला योजना के निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य हुआ। वही महाराजगंज जनपद के 18 गांव ऐसे थे जिन 18 गांवों को आजादी के बाद किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली थी। बन्ने गांव, बनटांगिया गांव और महाराजगंज जनपद के उन 18 गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के उन सभी गांवों को जिनके पास आजादी के पास कोई मकान नहीं था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न किसी प्रकार की कोई सुविधा उनके पास थी, उन सभी ऐसे महाराजगंज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 54 गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करके समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार स्वयं पहुंचने का कार्य किया था। और महाराजगंज जनपद में तो उन्हीं लोगों के बीच में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था जिन लोगों तक आजादी के बाद जिन्हें यहां तक की मतदान देने तक का अधिकार नहीं दिया गया था, उन्हें मतदान देने का अधिकार भी दिलाने का कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसीलिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करने वाली सरकार एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में 4.5 वर्ष से लगातार देश और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जाति के नाम पर बांटने वाली, चाहे वह सपा हो, चाहे वह बसपा हो, चाहे वह कांग्रेस हो, इन सब से मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने जाति के आधार पर समाज को बांटा, समाज में वैमनस्यता पैदा की, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के अनुदान से चलने वाली या प्रदेश सरकार के अनुदान से चलने वाली कोई भी शैक्षणिक संस्था, उसका दायित्व क्या बनता है? उसका दायित्व बनता है कि उस संस्थान में भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, आरक्षण की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश की आजादी के बाद से और उससे पहले भी भारत के संसद के एक्ट के द्वारा बनाया गया विश्वविद्यालय, भारत सरकार के अनुदान से संचालित विश्वविद्यालय, लेकिन आजादी के बाद से लेकर के आज तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को दोनों वहां प्रवेश मिलता है और नहीं नौकरी में किसी प्रकार का रिजर्वेशन ही वहां मिलता है। और मैं पूछना चाहता हूं सपा, बसपा और कांग्रेस के लोगों से, क्या आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है? सपा, बसपा, कांग्रेस को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर आरक्षण का लाभ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसका लाभ दिया जाता है, वहां पर अनुसूचित जाति के छात्रों को आरक्षण की सुविधा है, पिछड़ी जाति के छात्रों को प्रवेश में सुविधा है, नौकरियों में भी सुविधा है, हर संस्थान में है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत सरकार के अनुदान से चले और सबके बावजूद किस प्रकार की सुविधाएं न दें, ये बातें इस बात को साबित करती हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सपा के नाम पर हो, चाहे वो बसपा के नाम पर हो, चाहे वो कांग्रेस के नाम पर हो, ये केवल जातीय विस्मरण करके आपको कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं और विकास की योजनाओं से आपको वंचित करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में आपका हक,
आपको मिले इसको दिलाने के लिए लोग ईमानदार नहीं है। हम सबको शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दिलाने के लिए जहां प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना है, और जिस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कैसे हम एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक नौजवान के लिए, एक महिलाओं के लिए और साथ साथ समाज के प्रत्येक तबके के लिए हित के लिए कार्य कर रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्र सरकार के बजट के बारे में बताएंगे, लेकिन कल राज्य सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत किया। आयुष्मान भारत में 1,18,00,000 परिवार यानी 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर निःशुल्क 5,00,000 की स्वास्थ्य सेवा का एक वर्ष के अंदर लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग बचे थे। कल हम लोगों ने ऐसे 56,00,000 लोगों को भी प्रदेश सरकार से उसकी व्यवस्था करने की, प्रदेश सरकार के अंदर भी कोई भी व्यक्ति वंचित न रहने पाए, प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5,00,000 का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल सके। राज्य सरकार ने कल अपने बजट में इस बात की भी घोषणा की। प्रदेश के अंदर बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया था। आज भी समाज के अंदर एक सोच होती है आधी आबादी को लेकर के किस प्रकार की सोच है, वह सोच और उस सोच के खिलाफ हम लोगों ने एक बात कल किया कि कन्या सुमंगला योजना के नाम पर एक योजना प्रदेश के अंदर चलेगी, कन्या के पैदा होते ही उसके नाम पर एक राशि हम जमा कर देंगे, कन्या के प्रवेश लेने के बाद ही उसके नाम पर फिर एक राशि उसके नाम पर जमा होगी, और फिर जब वह पहली क्लास में जाएगी तो टीकाकरण के साथ उस बालिका के नाम पर फिर एक राशि जमा करेंगे, जब वो 6ठी क्लास में जाएगी तब भी उसके नाम पर धनराशि जमा करेंगे, जब वो स्नातक में जाएगी तब भी उसके नाम पर एक धनराशि जमा करेंगे, और जब वो विवाह योग्य होगी उसके परिवार के पास एक पूंजी होगी, उस पूंजी का उपयोग करके वह उस कन्या की शादी कर पाएगा। यह एक कन्या सुमंगला योजना के लिए भी 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने की है। यही नहीं, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अन्य अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी प्रारंभ की है, और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में कल हम लोगों ने एक बात की है, गांव में मिड डे मील में जो रसोईया भोजन पकाते थे 4,00,000 की आबादी है उन लोगों की, लेकिन उनका मानदेय बहुत कम था, उनका मानदेय हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं, गांव के प्रहरी का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। हर गांव में एक चौकीदार जो रहता था वह बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, उसके मानदेय को बढ़ाकर के वह सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से तमाम जो पीआरडी जवान थे उन लोगों के मानदेय को आगे बढ़ाने के लिए होमगार्ड के जवानों का मानदेय हम लोग पहले ही बढ़ा चुके हैं, और भी तमाम अन्य योजनाओं के साथ समाज को जोड़ने, विकास की योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाने और समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिल सके, 3,55,00,000 परिवारों को वर्तमान में हम अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। एक बड़ी आबादी है जो आजादी के बाद से विभिन्न योजनाओं से वंचित थी, उन योजनाओं का लाभ देने के साथ ही हम आज के इस अवसर पर आप सबसे ही कहने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, बूथ का कार्यकर्ता जितनी मजबूती के साथ कार्य करेगा, अपने बूथ के प्रबंधन को और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जिस मजबूती के साथ अपने आसपास के दायरे में पहुंचाने का कार्य करेगा, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेकर के बार बार कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत, यह भाव जिस दिन एक एक बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ के अंदर तय कर लेगा, कोई दुनिया की ताकत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सिक्कत नहीं दे सकती, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, और यही आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं एक बार पुनः गोरखपुर क्षेत्र में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं उनका मार्गदर्शन। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से 74+ के लक्ष्य के साथ गोरखपुर क्षेत्र से 100% लक्ष्य की प्राप्ति करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करेगा, इस विश्वास के साथ मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।